डीवीएस फैक्ट को और बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले डीवीएस फैक्ट देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिट की, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे फैक्ट मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि हिट ने अभी तक अपनी ट्रू पावर नहीं दिखाई है, क्योंकि उसे ऐसा करने का कोई मौका मिला ही नहीं। और हो सकता है उसके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जो एक लेजेंडरी हिट नाम से जाना जाए। ऐसे ही कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ। ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग से ही हिट बिल्कुल एक शांत कैरेक्टर है, बिल्कुल खामोश कैरेक्टर है। और हम जानते हैं वो साइको किलर है। उसकी खामोशी हमें ये बयां करती है कि वो कॉन्फिडेंट है कि उसके पावर का कोई वॉरियर नहीं है जो उससे फाइट करे और उसको बीट करे, जैसा कि बिल्कुल जिरेन कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन सबसे शांत वॉरियर है, शांत कैरेक्टर है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और हम उसकी पावर को देख चुके हैं एक बार, और वो गोकू पर भी इतना ध्यान नहीं दे रहा है जिससे हमको ऐसा लगे कि जिरेन गोकू के मामले में सीरियस है। और शायद यही वजह है कि गोकू को अपना नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ रहा है। मैं जिरेन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन ही ऐसा वॉरियर है जो सबसे पावरफुल है। और अगर जिरेन किसी भी बंदे को या किसी भी वॉरियर को एनालाइज करता है तो हमें ये संकेत मिल जाते हैं कि वो सामने वाला अपोनेंट जिरेन के खिलाफ जा सकता है, इसीलिए जिरेन उसको एनालाइज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एपिसोड 104 की। जब डाइस फॉर इट की फाइट हो रही थी तो उस फाइट के दौरान जिरेन और टोपो उस फाइट पर बिल्कुल नजर लगाए थे और इट की पावर को एनालाइज कर रहे थे, उसके हर एक अटैक को बिल्कुल से देख रहे थे। और उस फाइट के दौरान जिरेन का फेस रिएक्शन कुछ ऐसा था, यानी वो खामोशी थी उसकी चेहरे पर जो दिखा रही थी कि वो इट के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर जिरेन कोई भी फाइटर के सामने सीरियस होता है तो हम समझ सकते हैं कि वो फाइटर कितना स्ट्रांग हो सकता है, इवन इतना स्ट्रांग तो हो ही सकता है कि गोकू को डिफीट कर सके, वरना जिरेन किसी फाइटर को क्यों एनालाइज करेगा। और अभी तक हिट ने भी जिरेन के खिलाफ कोई भी चिंता नहीं जताई है, ना ही वो सीरियसनेस दिखाया है और ना ही ये दिखाया है कि वो जिरेन की पावर से डर गया है या कोई सस्पेंस है या शॉक्ड हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हमें ऐसा लगे कि हिट डर गया है, यानी कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि हिट के पास कोई तो प्लान है या कुछ हिडन पावर है या कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वो जिरेन के खिलाफ यूज कर सकता है। और हम जानते हैं कि लास्ट 3 फाइटर्स बचेंगे, जिरेन, गोकू और हिट, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं बता दूं कि हिट के पास ऐसी पावर है जिसने अभी तक वो यूज नहीं किया है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हिट के पास कोई भी हिडन पावर है तो उसने सही मौके पर रिवील क्यों नहीं की। जब चंपा और बीरस के बीच में टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें भी रिवील नहीं की, और डाइस्पो और हिट की फाइट हुई थी तभी भी उसने नहीं की, जबकि वो डाइस्पो से कहीं ज्यादा पिटा था, उसके बावजूद भी उसने उस पावर को रिवील नहीं किया। तो मैं बता दूं कि चंपा और बीरस के टूर्नामेंट पर तो हिट की सीरियस फाइट हुई ही नहीं थी, वो खुद ही नॉकआउट हो गया था, तो आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं डाइस्पो की फाइट की। तो मैं बता दूं, हिट ने डाइस्पो को पहले ही एनालाइज कर लिया था कि वो समझ गया था कि डाइस्पो उसके पावर लेवल का नहीं है, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाया कि डाइस्पो उसकी टाइम स्किपिंग को कैसे काउंटर कर रहा है। और इसी को जानने के लिए वो डाइस्पो से बार बार पिट रहा था, बार बार पंचेस खा रहा था, जैसे कि गोकू ने किया था। जब गोकू और हिट की फाइट हुई थी तो गोकू ने हिट की टाइम स्किपिंग को काउंटर करने के लिए, समझने के लिए उससे बार बार पंचेस खाए, बार बार मार खाई, और आखिर में वो समझ गया टाइम स्किपिंग क्या होती है, उसके रूल क्या होते हैं, उसके कमजोर पॉइंट क्या होते हैं। और यही चीज सेम हिट ने यूज की है, और हिट भी आखिर में समझ गया कि डाइस्पो कैसे उसकी टाइम स्किपिंग को काउंटर कर रहा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। तो आप फाइनली बात कर लेते हैं उन पावर्स की और उसका नया ट्रांसफॉर्मेशन की। तो मैं बता दूं, हिट यूनिवर्स 7 के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यूनिवर्स 7 के लिए अपना गोकू है। जब गोकू रियलाइज करेगा कि उसका यूनिवर्स उसके हाथ से जा रहा है और वो इमोशनली होकर टूट जाएगा, तो शायद वो कुछ भी करे, पावर अप करे, उस फॉर्म तक पहुंच जाएगा।
और यही सिचुएशन में भी एक बार हिट भी होगा, उसको भी ऐसा फील होगा और वो कोशिश करेगा कि अपने सभी यूनिवर्स को बचा सके, अपनी पावर को पुश करेगा और अपने नया ट्रांसफॉर्मेशन तक जा सके। और अगर उसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो ये बात पक्की है उसके पास कुछ भी नई पावर तो जरूर है। मैं बता दूं, ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग से ही हिट ने अभी तक ओनली दो ही अटैक यूज किए हैं। एक उसका अटैक है टाइम स्किपिंग और दूसरा उसका अटैक है सिग्नेचर पंच, और ना ही वो किसी के खिलाफ सीरियस हुआ है ना ही उसको गुस्सा आया है। तो ये साफ साफ है कि उस पे कुछ तो पावर होंगी। और एक सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसने अभी तक एनर्जी बॉल का यूज नहीं किया है। एनर्जी बॉल का यूज यानी ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एनर्जी बॉल यूज करना नहीं आता हो, ये तो किरलिन भी कर सकता है। तो ये भी एक बात हो सकती है क्योंकि उसके दो ही अटैक इतने पावरफुल हैं जो सामने वाले अपोनेंट को अपने सामने टिक ही ना दे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिट के पास ओनली दो ही अटैक्स हों जबकि गोकू के पास 5 से 6 अटैक्स हैं, यानी हर वॉरियर के पास 5 से 6 अटैक तो नॉर्मली होते ही हैं। और हिट ने अभी तक कोई ऐसा अटैक नहीं दिखाया है, एक्स्ट्रा अटैक नहीं दिखाया है, क्योंकि उसके दो ही अटैक ऐसे हैं जिसके सामने कोई भी अपोनेंट नहीं टिक सका है। और अगर ऐसे कोई अटैक्स हैं उसके पास, मैं तो जानता हूँ उसके पास होंगे ही, तो वो टाइम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और टाइम स्किपिंग से भी खतरनाक हो सकते हैं। और एक यही वजह है कि वो जिरेन के सामने इतना सीरियस नहीं है। तो भाई यही फैक्ट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपने मेरे हर फैक्ट को सही से समझा है, लॉजिक लगाया है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्ते, बाय बाय।